सबसे पहले जिला अनंतनाग की आवाम मुबारकबाद की हकदार है जिन्होंने इस ऑर्डर को सराहाया है और जो हमारा ऑर्डर है उसको जमीनी सतह पे पाए तकमील लाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ की जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का जो अनंतनाग चैप्टर है उसके प्रेसिडेंट साहब, उनकी सारी टीम भी मुबारकबाद की हकदार है कि जिन्होंने इसमें इंतज़ामिया का साथ दिया। मेरा पर्सनली मानना है कि ये एक ऐसा समाजी पहलू है जिसमें जब तक सारे रुकन एक साथ ना चले, चाहे इंतज़ामिया हो, चाहे हमारे स्टेक होल्डर्स हो, डीलर्स हो, चाहे आवाम हो, जब तक वो शाना बशाना एक साथ नहीं चलेंगे इस सिमत में, तो हम जो ट्रैफिक हादसा में जो जाने ज़ाया हो जाती है उनको हम कम और रोक नहीं सकते हैं। हमने जब इसका जायज़ा लिया कि ऐसे क्या हो रहा है कि आए दिन हमारे हादसा में जवान लोग जहाँ बहक हो रहे हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से, महकमे सेहत से हमें ये जो रिपोर्ट्स मिली कि अगर हेलमेट पहनी होती तो शायद इंजरी कम होती और जान ज़ाया होने से बच जाती। तो इसके तहत हमने ये प्रोग्राम और इनिशिएटिव उठाया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट के बगैर बाइक पे जा रहे हो और किसी डीलर या किसी फिलिंग स्टेशन पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, जिसमें मुझे लगता है अभी तक हमें ठीक ठाक कामयाबी, खासी कामयाबी मिली है, लेकिन अभी हमें उसमें और काम करने की ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यही ऐसा ही ताउन मैं एक्सपेक्ट करूँगा आवाम से भी, मीडिया से भी, जिन्होंने इस ऑर्डर को और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, और जो डीलर्स हैं उनसे भी यही ऐसी तवक्को रखूँगा कि ऐसा ही ताउन मिलेगा। हमें ये मानना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम इसमें अपनी भी जिम्मेवारियां ना निभाए, शहरी होने के फ़राइज़ ना निभाए, तब तक हम इस आफत से, मैं मानता हूं कि ट्रैफिक हादसात में जो जाने जाती है ये आफत का शिकार हो रही, एक आफत है और इस पे हमें सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसमें जो हमारा गोल है कि ज़ीरो डेथ्स इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ये जो हमारा गोल है ज़िला अनंतनाग ने जो सेट किया है उसमें हम खड़ा उतरे हैं। मेरी वालदैन से गुजारिश है कि उसका एहतराम करें, उसी हिसाब से चले, और साथ में जो लीगल एज का भी हो, घर से जब वो निकले बच्चे बच्ची, उससे वालदैन पूछे कि बेटा बेटी आप जा रहे हो, चाहे ऑफिस के लिए जा रहे हो, चाहे स्कूल कॉलेज के लिए जा रहे हो, क्या आपने हेलमेट ली? क्योंकि नफ्सियाती तौर पे भी जब हेलमेट पहनता है जो राइडर होता है उसकी जो रफ्तार है वो खुद ब खुद कम रहती है, और विदाउट हेलमेट जब जाता है तो रफ्तार ज़्यादा बढ़ती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वालदैन से भी, खासकर अनंतनाग के सारे जितने भी वालदैन हैं, कि आप अपने घर में सुबह जब आपका बेटा बच्चा जब या आपकी जो भी जा रहा है उसको पूछे कि क्या आप हेलमेट लेके जा रहे हैं, और अगर लेके जा रहे हैं तो उसको बराबर पहने, जब आप मंजिल तक पहुंचे वहां उतारे, वापसी पे भी पहने। बिल्कुल सही डिसीजन है, हेलमेट हमारी सेफ्टी है, हमारी सेफ्टी के लिए किया है, सही डिसीजन है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बहुत सी जानें बच सकती है, और जिनके पास लाइसेंस और जिनके पास हेलमेट नहीं है वो भी लेंगे। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर निकाला है बिल्कुल सही ऑर्डर निकाला है। आप बिना हेलमेट के पेट्रोल मिलता ही नहीं है, और मैं सारे जवानों से अपील करता हूं कि वो हेलमेट लगा कर आए, क्योंकि फ्यूल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहां पे बैनर्स भी लगे हैं और ये बिल्कुल देते भी नहीं है फ्यूल इसके बिना। बिल्कुल यह असल क्योंकि वनकन रोड हादसा वनकन सड़कन पे यह बिल्कुल असल हेलमेट ज़रूरी تکیاز یہ انسان خاطر اصل بچات ہیلمٹ بغیر گھس نیرن انسان کی یل آرڈر کور ڈی سی صوبن تم تل یہ اصل قدم ہے یہ اصل یہ بڑا خوش آئندہ قدم ہے ہم ڈی سی صاحب کا بڑے شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے اور آرڈر نکالنے سے پہلے ہمیں بھی کانفیڈنس میں لیا ہمارے ساتھ میٹنگ کی اور ان کا ایک کنسرن اور بھی تھا کہ آپ کا بزنس سفر تو نہیں ہوگا لیکن ہم نے ان کو یقین دلایا کہ اگر بزنس سفر بھی ہوگا کیونکہ یہ ایک سوشل کاز ہے اور سوشل کاز کے لیے ہم اپنا بزنس بھی سفر کریں گے لیکن جو حادثات ہوتے ہیں آج کل جو ینگسٹرز میں زیادہ تر بائکس وداؤٹ ہیلمٹ آتے ہیں تو ان کا یہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو بڑا سراہنا اس قدم کا بہت اچھا قدم ہے اور ہم اس میں پیش پیش ہیں اور ہم نے اسی دن سے اپنے سارے پیٹرول پمپس پہ جو بھی ساؤتھ کشمیر کے ہیں پرٹیکولرلی اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے तो सब पे ये इम्प्लीमेंट हमने किया द डे वन फर्स्ट डे से आज तक। जो इस बारे में जो हमारे सारे एम्प्लॉयज हैं उनको हमने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दी रखी है कि किसी भी बाइकर को बिना हेलमेट के आप तेल नहीं डालोगे, और हमने सीसीटीवी लगाए हुए हैं, हर पंप पे सीसीटीवी लगे हैं,
और किसी भी एम्प्लॉय को ये परमिशन नहीं है कि वो बिना किसी हेलमेट के किसी बाइकर को तेल डालेगा।